गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू आवर चैनल धृति एंड मॉम्स क्रिएशन। आज का सुबह हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह 10 से 15 मिनट हम टाइम निकाल करके एक्सरसाइज कर लेते हैं, और एक्सरसाइज कर लेते हैं तो थोड़ा सारा दिन अच्छा लगता है, फ्रेश महसूस होता है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, फ्री हैंड एक्सरसाइज है, हम सब घर में आराम से कर सकते हैं। अभी हम किचन में आ गए हैं एक होम रेमेडी फेस पैक बनाने के लिए। एक टुकड़ा प्याज लेते हैं और उसको अच्छा से कद्दूकस कर ले रहे हैं। कद्दूकस करने के बाद उसमें क्या क्या मिलाएंगे, बेसन मिलाएंगे और हल्दी पाउडर मिलाएंगे। बेसन हल्दी पाउडर ये नेचुरल होता है, फेस के लिए भी अच्छा रहता है और डेली करने से तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये एक चम्मच हनी मिला दिया और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम फेस में अप्लाई कर रहे हैं। लगा करके हम घर का दूसरा काम करने में लग जाते हैं। अब ये 10 मिनट बाद इसको निकाल लेते हैं और नॉर्मल पानी से वॉश कर लेते हैं। अब ऑलिव ऑयल लेकर के फेस को मसाज कर लेंगे। अब नहा के हो गया है, अभी हम आ गए हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में आज सूजी के अप्पे बना रहे हैं, और इसमें 2 चम्मच ऑयल गरम किए हैं और जीरा और सरसों का फोड़नी दिए हैं, और कटा हुआ गाजर, प्याज, करी पत्ता और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल करके इसको पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब एक बर्तन में हम दही को फेंट लिए हैं और इसमें सूजी डाल रहे हैं। अब इसमें नमक डाल दे रहे हैं। नमक कम ही डाल रहे हैं, अगर चाहिए होगा तो बाद में हम मिक्स करेंगे नमक। और इसमें सूजी में डाल देते हैं और इसको अच्छा से मिक्स करके ढक के रख देंगे, क्योंकि सूजी फूल जाना चाहिए तो ये क्वांटिटी में बढ़ जाएगा। और ऊपर से धनिया पत्ता दे दिए हैं और थोड़ा पानी मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि सूजी जो है वो फूलेगा तो पानी कम हो जाएगा जो दही दिया है, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी यूज़ कर रहे हैं। और इसको ढक के 15 से 20 मिनट हम रख देंगे। ये देखिए, अभी हम अप्पे का बर्तन गरम करने बैठा दिए हैं और अभी सूजी अच्छा से फूल गया है, और अभी एक चम्मच लेकर के इसमें धीरे धीरे डालेंगे। इसमें थोड़ा ऑयल ब्रश कर लेते हैं अप्पे के बर्तन में। Thank you.
चीज़ लिया है, चीज़ को ग्रेट कर रहे हैं और ये हप्पे में डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। फिर थोड़ा ऑयल डाल करके इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। और अभी हम एक ड्राइंग का वीडियो भी इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों को थोड़ा टाइम मिलता है तो घर में बैठ करके हम लोग कुछ घर में बनाने का सामान भी बना सकते हैं, कुछ पेंटिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी पेंटिंग है। बहुत ही सिंपल पेंटिंग है। इसको हम लोग कभी टेबल क्लॉथ में भी कर सकते हैं। टेबल क्लॉथ में करने के लिए एक्रिलिक कलर का यूज़ करेंगे और ऐसे ही सिंपल सा पेंटिंग इजीली हम लोग बना सकते हैं। पेंटिंग तैयार हो गया है।